साढ़े पांच साल पहले तक पिछड़ेपन का दंश झेलने वाला गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजी से मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने की राह पर है। इसी के अनुरूप यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सुदृढ़ किया जा रहा है। शानदार रोड कनेक्टिविटी, सिवरेज व जल निकासी के इंतजाम देश के बड़े महानगरों की तर्ज पर किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं के मद्देनजर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों चार प्रमुख परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री फ्लाईओवर, सिवरेज, जल निकासी और फोर लेन के बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने आ रहे हैं। 1,821.61 करोड़ रुपए की लागत वाली चार परियोजनाओं के शिलान्यास का समारोह रविवार शाम 4 बजे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में होगा। यहां सीएम उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें महानगर में जलभराव की समस्या का ठोस समाधान करने वाली गोरधोइया नाला प्रोजेक्ट भी है। गोरधोइया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीरोद्वार तथा नाले के इंटरसेप्शन डाइवर्जन व ट्रीटमेंट के निर्माण से संबंधित परियोजना की कुल लागत 474.42 करोड़ रुपए है। रविवार को ही सीएम योगी 561.34 करोड़ रुपए की लागत वाली गोरखपुर सिवरेज योजना सी पार्ट 2 की भी आधारशिला रखेंगे। उनके हाथों 96.50 करोड़ रुपए की लागत वाले जेल बाईपास फोर लेन पर खजांची चौराहे पर फ्लाईओवर का भी शिलान्यास होगा। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद खजांची चौराहे पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही भटहट से बासस्थान मार्ग के फोर लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत 689.35 करोड़ रुपए है। यह फोर लेन भटहट के पिपरी में निर्माणाधीन प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय तक सुगम यातायात उपलब्ध कराने में मददगार होगा। गोरधोइया नाला प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के बाद यह नाला न केवल अतिक्रमण मुक्त होगा बल्कि इससे 2.20 लाख की आबादी सिवरेज व जलभराव की समस्या से निजात पाएगी। कार्यदायी संस्था जल निगम के परियोजना प्रबंधक रतन सेन सिंह के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 19.364 किलोमीटर इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन, 38 MLG की एक STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 61 MLG MPS 19.364 किलोमीटर RCC नाला निर्माण व 22 ब्रिज कलवर्ट आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। इसके अंतर्गत कुल 17 वार्डों बिछिया, जंगल तुलसीराम पश्चिमी, शिवपुर, शहबाजगंज, जंगल शालीग्राम, बिछिया जंगल तुलसीराम पूर्वी, रेलवे बिछिया कॉलोनी, शाहपुर, भेड़ियागढ़, घुसीपुरवा, सिमरा, बशारतपुर, मानबेला, राप्ती नगर, लोहिया नगर, जंगल नकहा, राम जानकी नगर, शक्ति नगर एवं चकसा हुसैन से जनित सीवेज जो नाले में बहते हैं उन्हें प्रस्तावित 38 MLD STP पर शोधित कर रामगढ़ ताल में प्रवाहित किया जाएगा। नाला अतिक्रमण मुक्त होने से इसके कैचमेंट की विभिन्न कॉलोनियों में जलभराव की समस्या का भी निदान हो जाएगा। इस परियोजना में गोरधोइया नाले के दोनों तरफ सौंदर्यीकरण तथा रोड लैंडस्केपिंग का कार्य भी कराया जाएगा। इससे आसपास के क्षेत्र के लोगों को घूमने, टहलने, रोजगार, पर्यटन आदि का भी लाभ मिलेगा। सोमवार 28 नवम्बर को सीएम योगी सुबह 10 बजे चंपा देवी पार्क मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के समारोह में शामिल होकर नवयुगलों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस समारोह में 1,000 से अधिक जोड़ों का विवाह प्रस्तावित है।